हम इस नकली चाणक्य को बडगाम में पटखनी दे करके आपको दिखाएंगे। आप नोट की चिंता मत करो, नोट से क्या क्या खरीद सकते हो, नोट से वही खरीद सकते हो ना जो बिकने वाला माल होगा। बडगाम की जनता बिकने वाली नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है ना? तो आप चाहते हैं कि गुजरात जीते, तो जिग्नेश भाई को और भी जगह जाना पड़ेगा ना। जिग्नेश भाई वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और भी नौजवान हैं जिग्नेश की तरह जो अपने अपने इलाके में लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है मोदी जी की हकीकत जो हम लोगों को पता है वो गुजरात की हर विधानसभा की जनता को बताया जाए? तो ये चुनाव जिग्नेश भाई लड़ेंगे कि आप लड़ेंगे? आप लड़ेंगे ना। तो आप लड़ेंगे तो एक बात अपने मन में ठान लीजिए, लड़ाई जब होती है ना न्याय की, अन्याय के खिलाफ, तो उसमें कोई धोखा नहीं होता है, कोई दुविधा नहीं होती है। वो लड़ाई जब होती है तो आर पार की होती है, होती है ना। अगर आप मोर्चे पे खड़े हैं और मन में दुविधा हो जाए ये करें कि वो करें, तो लड़ाई तो जीतने से पहले ही हार गए, शुरू होने से पहले ही हार हो गई। आपके मन में भी कोई दुविधा है? मन में दुविधा मत रखिए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली रहता हूं और हमारी यात्रा अभी हैदराबाद से गुजरी है। मैं ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता हूं, कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और बडगाम की जनता समझदार तो है, तो आप इशारा समझ रहे हैं ना। मन में अगर दुविधा हो, सड़क पार कर रहे हो या नदी पार कर रहे हो, अगर सड़क पार करते हुए दुविधा हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, और नदी पार करते हुए अगर दुविधा हो जाए तो नाव डूब जाती है। इसीलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। इस देश के भीतर एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कोई व्यक्ति अगर सड़कों पे उतर करके लड़ रहा है अभिमन्यु की तरह, तो वो राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप इस बात को समझते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, तो आप ये मत देखिए कि क्या होगा कैसे होगा, वही होगा जो आप तय करेंगे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं अपना अनुभव आपसे कहता हूं, कुछ नौजवान हमारे पास आए और बोले कि देखिए आपकी बात तो हमको ठीक लगती है, लेकिन हमको ये लगता है कि आपको वोट देंगे तो आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हम बोले एक बात बताइए, ऐसा कौन सा जादू है कि आप वोट हमको दीजिएगा और जीत कोई और जाएगा? ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, इस देश की संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐसा अधिकार आपके हाथ में दिया है, उस अधिकार की ही ताकत है कि मोदी जी का फोटो आगे करके सारा लुटेरा उनके पीछे खड़ा हो गया है लाइन लगा करके, और कहता क्या है, मोदी जी किसके लिए चोरी करेंगे, भतीजा के लिए, अमित शाह के ढीकरा के लिए? ऐसा थोड़ी है कि भाजपा में सब मोदी जी की तरह है, सबके बाल बच्चे हैं, सब चीफ मिनिस्टर अपने बच्चे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है, चीफ मिनिस्टर का बच्चा जो है वो मंत्री बना हुआ है, मंत्री का बच्चा मंत्री बना हुआ है। आपके हाथ में ही वो ताकत है कि 5 साल नेता भले नजर नहीं आए, 5 साल नेता भले आपकी गलियों में ना भटके, लेकिन चुनाव के 15 दिन सारा हेलीकॉप्टर आपके गांव में आके उतर जाता है। यह आपकी ही ताकत है कि जब आप कोरोना में मर रहे थे, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, आप अपने अपनों को खो रहे थे और जान गंवाने के बाद आपको सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो एक भी कैमरा नहीं आया था क्या दोस्त?
चुनाव नहीं होता तो बडगाम आते क्या? चुनाव है तभी ना आए हैं। मामला टीआरपी का है तो टीआरपी देता कौन? ये टीआरपी कौन देता है? ये आप देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जिसके जुल्म से आप परेशान हैं उसको ताकत आपने ही दी है, उसको सेहत आपने ही चटाया है। उसको अगर आप सेहत नहीं चटाए होते तो आज आपका खून पीना नहीं शुरू करता। यह बात आप समझ लीजिए कि संविधान ने यह ताकत दे दी कि टोपी वाला का वोट भी एक होगा और टिक्का वाला का भी वोट एक होगा, फॉर्चूनर पर चढ़ने वाले का भी वोट एक, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाला का भी वोट एक, और हमारे जैसे फुटपाथ पर चलने वाला का भी वोट एक, महिला का भी वोट एक, पुरुष का भी वोट एक, अमीर का भी वोट एक, अंबानी जी का भी वोट एक और उनके ड्राइवर का वोट भी एक। ये जो वोट की ताकत हमारे हाथ में नहीं होती तो आप देखते रंग राजा राजवाड़े की बात करते हैं, जिसके ऊपर राजकुमार होने का आरोप लगाते थे वो रोज 25 किलोमीटर देश की सड़कों पर पैदल चलता है, और जिसके ऊपर आपने भरोसा किया कि ये हमारी रक्षा करेगा वो आपको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकता है तो इससे हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? असुरक्षित। जब देश में महंगाई 45 साल में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पे चला गया है, तब हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? असुरक्षित। ये जो खेल है ना, ये खेल इस देश में पहले भी खेला गया है। मैं कहता हूं कि बस आपको याद करने की जरूरत है, जब देश के किसानों ने यह फैसला लिया कि हम अंग्रेज अफसरों को लगान नहीं देंगे, ये हमारी धरती माता है, इस पे हम मेहनत करते हैं, हम फसल उगाते हैं, ये 3 में की 13 में हम इसको लगान नहीं देंगे, तो अंग्रेजों ने किसानों की उस एकता को तोड़ने के लिए एक साजिश रची। सुअर मस्जिद में फिकवाए गए, गाय मंदिरों में फिकवाया गया, इंसान को आपस में लड़ाया गया, और इंसान जब आपस में लड़ते हैं तो उनके मुद्दे गायब हो जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और मुद्दा अगर कोई है आज हमारा, तो वो मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, ये हमारा मुद्दा है। और इस मुद्दे पे अगर आप वोट करना चाहते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप जब वोट करेंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आप एक उम्मीद का सितारा चुनेंगे, इस बात को याद रखिएगा। हम कहते हैं जहां समस्या पैदा हुई समाधान भी वहीं मिलेगा ना। आप सोचिए कि आपने मोदी जी को एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया, अब पूरा देश गुजरात मॉडल का मजा चख रहा है। इसका निराकरण कैसे होगा? इसका निराकरण होगा जब हम आंख बंद करके बिना सोचे कि ये लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक व्यक्ति को एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बात को पुनर्स्थापित करने की है कि गुजरात गांधी और पटेल का था, है और रहेगा, इस बात को साबित करने की जरूरत है। और क्या कहते थे गांधी? गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने गुजरात की एक खूबसूरत चीज देखी, हर गांव के बाहर एक चबूतरा बना होता है और उस चबूतरे में पंछी आकर के दाना खाते हैं, पानी पीते हैं। आप तो गुजराती लोग हैं साहब, बेजान पक्षियों को दाना और पानी देते हैं,
देश दाना और पानी के लिए मोहताज हो रहा है, आपसे आग्रह करते हैं कि आप देश को भी दाना और पानी दीजिए। आप अगर फैसला लेंगे और बिना दुविधा के लेंगे तो पूरे देश को एक मैसेज जाएगा। आप पूरे देश को यह मैसेज दे सकते हैं कि गुजरात का चुनाव इस बार धर्म के आधार पर होने वाली नफरत पे नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार लोगों के उसके पहचान के आधार पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इसके आधार पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार हम कैसे पूजा करते हैं, कैसे इबादत करते हैं, इस पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार इस मुद्दे पर हुआ है कि मोरबी की जिम्मेवारी कौन लेगा, इस बात पे हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बात पे हुआ है कि जब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़ करके दिल्ली चले गए, अब दिल्ली से चले गए हैं विदेश घूमने के लिए, तो गुजरात को कौन देखेगा। गुजरात में आपने पहले भी गांधी और पटेल पैदा किया था, आज भी आपके बीच में ऐसे नौजवान हैं जो उन सपनों को साकार कर सकते हैं, उन नौजवानों को आशीर्वाद देने की जरूरत है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मोदी जी गुजरात से हैं, मोदी जी से गुजरात नहीं है, ये संदेशा आपको इस बार के विधानसभा चुनाव में देना पड़ेगा कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया और आप हमको फुटबॉल बना के छोड़ दिए हैं। क्या कन्हैया जी, एक जर्नलिस्ट बोला कि आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। हम बोले देखिए अभी तो हमको बहुमत नहीं मिला है, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम जो है नाम भी तय कर लेंगे, लेकिन जिसको आशीर्वाद मिल रहा है उससे जरा पूछ के बताइए कि वो अगला बार मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। भूपेंद्र पटेल साहब सो रहे थे, आप वीडियो देख लीजिएगा, उनको नींद आ रही थी, ऊंघ रहे थे वो, उनको मालूम ही नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, और रूपानी साहब को मालूम ही नहीं था कि उनको एमएलए का भी टिकट नहीं मिलने वाला है। तो ये कौन तय कर रहा है। पहले आनंदीबेन पटेल साहिबान थी, फिर रूपानी साहब आए, फिर भूपेंद्र पटेल आ गए, कल को क्या गारंटी है कि कौन होगा। जैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए नियम बदल गया तो हो सकता है कि जैसा ही हो, नहीं हो सकता है। और ये सबको मालूम है, मैं बाहर से आया हूं, मैं आपको क्या बताऊंगा साहब, अभी आया हूं चला जाऊंगा। मैं तो अपना प्रेम, अपनी एकता और अपनी निष्ठा आपके साथ जो है वो दिखाने के लिए आया हूं, लेकिन आप तो यहां रहते हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप तो जानते हैं कि जिग्नेश न्याय के लिए लड़ने के चलते ही जेल गए। आपको मालूम है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो बडगाम के पास ऑक्सीजन प्लांट था। आप जानते हैं कि आपके आशीर्वाद के चलते ही जिग्नेश आज अपक्ष नहीं है, जैसे बडगाम कांग्रेसी है वैसे ही जिग्नेश भी कांग्रेसी है। आप ये जानते हैं कि आपके तरह अगर पूरा देश सोचने लगे, बडगाम की जनता की तरह अगर पूरा गुजरात सोचने लगे तो गुजरात में परिवर्तन के संकल्प को कोई रोक नहीं सकता है। आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गांधी की धरती के लोगों को ज्ञान दे सकूं। मेरा एक रिश्ता जरूर है, मेरा एक रिश्ता है कि आपने गांधी को पैदा किया मोहनदास के रूप में, मोहनदास करमचंद के रूप में। मैं बिहार से आता हूं, उस बिहार की धरती ने उस मोहनदास को महात्मा गांधी बनाने का काम किया है। मैं वो भावना लेकर के आपके बीच में आया हूं कि जो न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनको आपके समर्थन की जरूरत है। वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो खेलते 11 लोग ही हैं लेकिन 100 करोड़ जनता की भावना उनके साथ होती है। लड़ेंगे हम ही लोग, लड़ रहे हैं राहुल गांधी, और आज वहां से
बड़ी गुजारिश मिन्नत करके मैं आपके बीच आया हूं। लड़ेंगे हम ही लोग, लेकिन इस लड़ाई की जिम्मेवारी आपको अपने कंधे पर भी लेनी पड़ेगी। ये लेने के लिए तैयार हैं? तो जिग्नेश भाई को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है ना, दूसरे जगह भी चुनाव प्रचार करेंगे ना। तो ये लड़ाई अब नोट और वोट के अधिकार के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई अब वो जो सत्ता अभिमान में और गुरूर में चूर है उसके बीच और बडगाम की जनता का जो सच है उसके बीच में है। ये लड़ाई नोटों के दम पे खरीदे गए लोग और अपने ईमान से जिंदा लोगों के बीच में है। अगर आप जिंदा हैं तो ये लड़ाई आप हर हाल में जीते थे, जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ एक आखिरी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, देश के अंदर एक गंभीर परिस्थिति है। गंभीर परिस्थिति ये है कि हर किसी का असली मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यह है कि गुजरात में बिजली बिल सबसे ज्यादा वसूला जाता है। गुजरात की हालत यह है कि किसानों को उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। गुजरात की हालत यह है कि मनरेगा की बात जिग्नेश कर रहे थे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि टीवी जो मुद्दा दिखाता है ना, उस मुद्दे पे वोट मत कीजिए। और टीवी जिसको प्लेयर बताता है ना, उस प्लेयर को प्लेयर मत समझिए। आंख बंद करके सोचिए कि आपका मुद्दा क्या है। और आपको यदि लगता है कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हुए आपको ऐसा महसूस होता है कि सिरिंज से कोई खून हमारा निकाल रहा हो, ज्यों-ज्यों मीटर बढ़ता है त्यों-त्यों धड़कन तेज होती है। अगर आप महंगाई से परेशान हैं तो आप महंगाई के खिलाफ वोट कीजिए। अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं तो आप बेकारी के खिलाफ वोट कीजिए। अगर आप किसान हैं और आपको आपके फसल का दाम नहीं मिल रहा है तो हैं, और आपको ये महसूस होता है कि इस देश के भीतर जब किसी बलात्कारी की संस्कार की व्याख्या की जाएगी, जब आपको लगता है कोई घटना सुन करके कि प्रेम के नाम पे किस तरीके से लोगों का कत्लेआम किया जाता है, आपको अगर लगता है जब आप सड़क पे चलते हैं और सुरक्षा अगर महसूस होती है तो आप न्यारी के न्याय के लिए वोट कीजिए, महिला सुरक्षा के लिए वोट कीजिए। अगर आप नौजवान हैं और आपको ये महसूस होता है कि आपका पिताजी गृह मंत्री नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, तो अपने कैरियर के लिए वोट कीजिए, अपने हक और अधिकार के लिए वोट कीजिए। यही अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूँ। और कांग्रेस पार्टी एक प्रॉमिसिंग फाइटिंग लीडिंग अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। और हमने जो 8 संकल्प लिया है वो 8 संकल्प कांग्रेस पार्टी हर हाल में पूरा करेगी। बेरोजगारी भत्ता का सवाल हो, कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के मुआवजा का सवाल हो, किसानों को कर्जा माफी का सवाल हो, तमाम लोगों को इलाज का बीमा देने का सवाल हो, बिजली बिल कम करने का, बिजली यूनिट फ्री करने का सवाल हो, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उन कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट बहाल करने की बात हो। अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो होम गार्ड हमको मिले गाड़ी चेक करते हुए। उनकी वर्दी की जो हालत थी उसको देख करके हमने अपने चालक साहब को पूछा कि ये गुजरात पुलिस से नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं गुजरात पुलिस से ही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। और वो कॉन्ट्रैक्ट पे होने के चलते आपको देख करके पता चल जाएगा कि जीवन का अंतर क्या है। एक ही ड्यूटी करते हुए दो इंसान का वर्दी देख करके आप समझ जाएंगे कि उनके जीवन की असली हालत क्या है। आप पशुपालकों से बात करके देखिए किस तरीके से आज उनकी चारागाह की जमीनें छीनी जा रही हैं। आप आदिवासियों से जाकर के बात कीजिए किस तरीके से उनके जल जंगल जमीन का अधिकार छीना जा रहा है। और आप इस देश की अकलियत से बात कीजिए कि बार बार किसी ना किसी मुद्दे से किस तरीके से ध्रुवीकरण करके एक डर का माहौल पैदा किया जाता है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने जो 8 संकल्प लिया है उस संकल्प को परिवर्तन का आधार बनाने के लिए वोट कीजिए। और हमारा पूरा भरोसा है, उसी भरोसे के बीच हम आपके बीच आए हैं कि आपने पिछली बार भी एक संदेशा दिया था, वो संदेशा गुजरात के लिए था। इस बार भी वो संदेशा दीजिए, वो संदेशा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं हो, पूरा देश के लिए हो, और पूरे देश के
पूरे देश के नौजवानों के बिहाफ पर मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि जब आप वोट करने के लिए जाइएगा, अपने घर के बच्चों को, उसके भविष्य को और नौजवानों के बारे में सोचिएगा। हमारा भविष्य आपके हाथ में है। इस देश में अगर राजनीति का मुद्दा नहीं बदलेगा, इस देश में अगर रोजगार के सवाल को, महंगाई के सवाल को, किसानों के उनके फसल के सवाल को, मजदूरों के उनकी मजदूरी के सवाल को, जो छोटे व्यापारी हैं, जीएसटी और नोटबंदी के सवाल को अगर राजनीतिक विमर्श में नहीं लाया गया, तो इस देश में लड़ने वाले लोग हताश हो जाएंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि आप लड़ने वाले लोगों को हताश नहीं होने देंगे। होने देंगे क्या? तो ये चुनाव आपका चुनाव है ना, बूथ मैनेजमेंट आप करेंगे ना, प्रचार आप करेंगे ना, पोलिंग एजेंट आप बनाएंगे ना। आपने अगर ये तय कर लिया है ना, तो हम रिजल्ट का दिन का इंतजार नहीं करेंगे। आप तय कर लिया है ना, जोर से बोलिए, कोई दुविधा नहीं है ना। तो हमको तो रिजल्ट का इंतजार नहीं है। मैं अभी परिणाम निकाल करके जा रहा हूँ कि अपना भाई जिग्नेश मेवानी सिर्फ बडगाम का नहीं, पूरे गुजरात में एक परिवर्तन का आवाज बन करके उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।